यहाँ आप मजदूरी के लिए बैठे हो? हाँ जी। तो यहाँ बैठे हो, कोई आया नहीं आज क्या? आज तो नहीं आया, कब आता है? जिसके नसीब में रहता वही जाता है जी। नसीब में रहता है मतलब रोज नहीं होता है? नहीं, रोज नहीं होता। अगर रोज रहता तब मैडम क्या चिंता था, रोज नहीं काम होता है। नहीं, 800 से 1200। कैसे गुजारा कैसे करते हो? कैसे गुजारा करते मैडम, कभी ऐसे गुजारा हो जाता कैसे न कैसे, क्या करें। दिक्कतें क्या क्या आती हैं आपको? दिक्कतें बहुत कुछ है मैडम को, अब इतने बहुत है हमारे लिए। बताइए क्या दिक्कत आ रही है? अरे यही रहने वहने का, खाने पीने की दिक्कतें है। जब कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे, है ना बात। हाँ, तो आप कुछ सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा आप लोगों के लिए? हमने तो कुछ नहीं किया जी। नहीं, आपने कोई बात पहुंचाने की कोशिश की अपनी? अभी तक तो नहीं किए जी। कब से हो आप यहाँ पे, कब से आते हो रोज? तो यहाँ मेरे तो 40 साल हो गया जी। हाँ जी। और 40 साल से आप यहीं पे आते हो? हाँ आते हैं जी। तो कुछ और नहीं ट्राई किया कि अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो कुछ और कोशिश की हो? और कोशिश तो मैडम हमने नहीं किया, हर कोशिश में आदमी की जनसंख्या ज़्यादा है, कोई भी काम कर लो। अब वैसे चंडीगढ़ से हो कि कहीं और से हो? मैं यूपी से हूँ। काम के लिए ही यूपी छोड़ के आए थे? हाँ जी। और क्या जरूरी है मैडम, काम में छोड़ के आना पड़ा। आपका क्या नाम है? राजवली। कहाँ से हो आप? गोरखपुर जिला। कब से हो यहाँ पे, कब से रह रहे हो? 30-32 साल हो गए। यही काम कर रहे हो, यहीं पे आते हो? हाँ जी। आज नहीं आया कोई भी यहाँ पे? हमारा परमानेंटी काम है, हम 4 दिन से बीमार हैं, बुखार के वजह से नहीं जा रहे हैं। इन 14 महीने से लगातार मैं काम कर रहा हूँ, आज भी साइट पर गया था। काम की कोई दिक्कत नहीं हमारे को, नो। तो अभी जैसे आपकी तबीयत खराब है तो फिर इन दिनों में कैसे गुजारा कर पाते हो? इस समय भी वो मालक हमारे को 4000 रुपये भेजे हैं। अच्छा। दवा कराओ, जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर चले आना काम पर। जैसे कुछ ऐसा भी, कोई ऐसे भी लोग होते होंगे कि मतलब ज़्यादा पैसे दे के ले जाते हैं फिर कम पैसे में बात बना जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ी। वो एक जवान पर 8 दिहाड़ी किया था, 1.5 लाख रुपये दिए। मैं कैसे कहूँ कि ज़रूरत के हिसाब से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। हेलो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मालिक नाम है, माँ तो बोनजाम रहता हूँ, उसके बाद मैं गोरखपुर से आया हूँ। हाँ, 3 महीना काम किया, मेरा 10038 में नहीं दिया, कति देंगे नहीं तो जाके नहीं देंगे। अच्छा, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया? कति नहीं देंगे, नहीं किया, क्या करें। कंप्लेंट वगैरह करवा रहे हैं? कंप्लेन वाले सुनते नहीं, वो तो 2 नंबर कमाई करती है। हाँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं पटाया गया। घर कैसे काम चल रहा? अब मैं इधर उधर 2-3 महीना छोड़ दिया हूँ काम। हाँ, उसके बाद भाई बाद मैं कहा बोलना छोड़ दिया। कल उधर गया था 38 में, वो सामने गया था, बोली नहीं 10,000 है नहीं, वो कोई नहीं सुनवाई होती है, कोई नहीं सुनवाई होती है यार, सब बात करो फिर। अरे हम बहुत बात करता हूँ, बहुत नहीं सुनवाई है। बात करने की कोशिश तो करो, बोलो ना। नहीं देखो जी, जैसे कमेटी भी तो बनी होती है लेबर की, लेबर कमेटी, उनका लेबर चार्ज है जो कमेटी महीने का लगता है, अगर आप बनवाते हो तो वो सुनवाई करेंगे। ये कहो कि आप एक महीने के दे दे 300 रुपये तो वो सुनवाई नहीं होगा। आपको हर महीने अगर एक बार कटवा दिए पर्ची तो हर महीने देना पड़ेगा। तो हर महीने आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं उनको? नहीं, जैसे देखो जिसको प्रॉब्लम है वो देता है। अच्छा। जैसे हमारा पैसे फंसा है, हम कमेटी वाले के पास जाएंगे, हमारा वो बात सुनेंगे, अगर हमारा कराते हैं तो पैसे लेंगे, नहीं नहीं लेंगे। साल का भी कटता है, मतलब साल का जितना होगा इनको पता होगा, साल का इकट्ठे कटता है। लेबर चौक का कोई सुनवाई नहीं है। आपने कोशिश की बात करने? हाँ, बहुत बात किया हूँ मैं, हमने कई बारी लड़ाई यहाँ किया हूँ, प्रधान के तरफ गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कहीं और शिकायत करने की कोशिश कर लेते ना? अब कहाँ करें जी, किसके पास जाएं? हाँ जी, अरे पुलिस क्या करती है, पुलिस आती है बस चली जाती है, पुलिस आती है बस चली जाती है, यहाँ कोई सुनाई नहीं जी किसी का भी। यहाँ कोई सुनाई नहीं हम लोगों का जी। आप कब से हो यहाँ पे? हाँ जी, आज 29 साल हो गए जी।
20 साल हो गए। कहाँ से आए हो? मैं यूपी से हूँ जी। हाँ जी, यहाँ रोज दिहाड़ी हो पाती है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हो पाता है, नहीं भी होता है जी। हाँ, तो ऐसी कोई बात आप आगे रखना चाहो जो दिक्कत आती है आपको? दिक्कत हमको हर प्रकार की है, लेकिन पूरे नहीं करते लेबर चौक पे, हर प्रकार की हमको दिक्कत।